हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्य लाइफ। और मेरे नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए जी, मैं तैयार हुई हूँ, हमें जाना है एनिवर्सरी पार्टी में। और हमारी ननद जी का एनिवर्सरी पार्टी है आज। और दो चीज़ है आज, हमारे गुरु जी के फूफा जी की गाड़ी आई हुई है, तो उसका पूजा भी है, उसमें भी जाना है और एनिवर्सरी पार्टी में भी जाना है। तो कंटिन्यू रहिए और हम दिखाते हैं हमारे ब्लॉग में क्या क्या होता है, तो देखने के लिए कंटिन्यू। सो गाइज, ये है हमारे जीजा जी की गाड़ी और जिसका पूजा कराने हम लोग आए हैं यहाँ साई मंदिर, क्योंकि जीजा जी साई मंदिर में ही पूजा कराते हैं। वो साई बाबा को ज़्यादा मानते हैं, तो उनकी ज़्यादा श्रद्धा उन पे है। तो यहाँ ये पंडित जी गाड़ी की पूजा कर रहे हैं और पूजा हो जाने के बाद हम लोग जाएंगे पार्टी में, एनिवर्सरी पार्टी में। हमारी गाड़ी की पूजा आप देख सकते हैं। यो गाइज, ये है हर्षित बाबू का बैनर, फेस रिवील नहीं करने का। ये है इनका बैगन आर्ट, हमारे पूजा जी का बैगन आर्ट है। अब वो पूजा करने आए हैं, पंडित जी पूजा करने जा चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ डिस्कशन चल रहा है खाने के मेन्यू में क्या ऑर्डर किया जाएगा। और जूस में पीजिएगा, जिनका मैच एनिवर्सरी है, सेकंड वाले दीदी बैठ रहे हैं। देखिए और ये जीजा जी और ये एनिवर्सरी गर्ल एंड एनिवर्सरी बॉय, बाकी यही निके बेटा जी सुपुत्र, उधर गॉसिप चल रहा है स्कूल का, कांड का कांडू बाबा लोग उधर बैठे हैं, अपने अपने पोल खोल रही है, और उधर अकेला बॉ दिल टूटे हुए लोग भाई उधर बैठे हुए हैं, जिनका दिल टूट चुका है। हाँ, चुकड़ी चुकड़ी हो चुका है जिनका दिल, वो अकेले बैठ के दिल का टूटा हुआ शीशा जो है टुकड़ा वो जोड़ते हुए। उधर हमारे पापा जी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, और इधर हमारी माँ, और वो हमारे गोलू जी खेल रहे हैं मस्त आराम से। उधर दीदी रील्स बनाने में बिजी है, फोन में रील्स चूज कर रही है कि आज क्या क्या बनाना है। तंदूरी रोटी, और बेचारी प्रिंसेस का लहंगा फंस गया है। अरे बच्चा पार्टी इधर खेल रहे हैं लोग, काफी बड़ा रेस्टोरेंट है। और अभी हमारे अलावा इस रेस्टोरेंट में कोई नहीं है, फिलहाल हम ही लोग हैं। तो फिर देखते हैं मेनू में थाली में क्या आता है, वो भी दिखाएंगे आपको। 23 है ना? 23 है, चलिए 23 एनिवर्सरी है। और अब ये दोनों अपने अपने जर्नी के बारे में बताएंगे, मतलब ये जो 23 इयर्स जो इन लोगों ने कंप्लीट किया है, इयर्स का जर्नी बड़ा ही सुखद रहा जी, लेकिन कभी कभी काफी दुखद भी रहा। अच्छा, लेकिन बड़े खट्टे मीठे अनुभव के साथ जी हम लोग आज 23 एनिवर्सरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आशा है कि हम लोग इसी तरह हंसते खेलते मस्त मारते 103 साल जी, 103 तो नहीं तो तब तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाए, सिल्वर और गोल्डन तो जरूर मनाना चाहिए। अच्छा, ये वाला गिफ्ट आज मिला है, कान वाला देख लीजिए, क्या जबरदस्त झुमका मिला है। वाह, कान का झुमका, सो प्रिटी। इस साल 2000 बट हमारी दीदी से ज्यादा प्रिटी नहीं है, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, प्लीज उससे बात करिए। चलिए दीदी, अब आप बताइए आपने 23 साल के वैवाहिक जीवन के बारे में। हमारा 23 साल का जो वैवाहिक जीवन है, लगता है 23 दिन हुआ अभी। हाँ, सच बोल रहे हैं, लगता है कि अभी अभी दिन हुआ है। 23 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, फिर सब तो भूल गए एकदम, पेट फूलने वाला। सच बात है, इसमें झूठ नहीं है, सही बात है।
पता चलने का कारण व्हाट? ये नन्हे मुन्ने दो छोटे छोटे बच्चे, पता चलने का कारण मम्मी लोग है। ये प्यार के सही बात है, अगर ये लोग ना है बीच में तो पता ही नहीं चलेगा, लगेगा कि अभी ये लोग न्यूली मैरिड कपल है। थोड़ा थोड़ा उधर भी दिखा दीजिए माता जी को, जिस का प्रोडक्ट है। और ये ब्रांड जो है उधर के, इनके ब्रांड है मास्टर, ये ब्रांड है मास्टर, ये मां मां रही है वो पापा जी। तो चलिए, आपने देखा कि इन लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हम लोगों के साथ, आप लोग भी सीखिए और एंजॉय कीजिए। ये तीन को है मम्मी के लिए भी, मम्मी को नहीं मिला, मम्मी में भी रखा जा रहा है। हाँ ये बाबू का है, मम्मी को भी मिलेगा, मम्मी मम्मी को नहीं मिला। अच्छा लग रहा है, बाबू गाजर खा रहा है। भाई भातू 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 आ रहा है, वो दू ना, वो दू आपको। ओके मैं दे रही हूँ, हमारे गोलू जी को सब चीज में से चाहिए थोड़ा थोड़ा। भाई भातू 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 आ रहा है, पहले रोटी आएगा, मेरे को रोटी आया ना। पहले बाबू रोटी खाएगा फिर भातू खाएगा। गोलू के प्लेट में भी सब कुछ है जो मम्मा के प्लेट में है ना? पूछ के दिया। देखो मिल गया रोटी और तवा रोटी दे दिया। और तवा रोटी खाओगे? सो गाइस खाना आ चुका है और सब लोग खाना खा रहे हैं। खाने में था मिक्स वेज, पनीर चिल्ली और मशरूम था, सैलेड, रोटी, तवा रोटी और नान रोटी और दाल और चावल था। केक कटिंग नहीं हुआ बिकॉज केक लेके आए नहीं थे ये लोग और हमें पता भी नहीं था, अदरवाइज हम ही ले लेते। खाना टेस्टी था, ओवरऑल सब लोगों को बहुत पसंद आया। गाइस देखिए इधर रील्स बन रहा है और ये बनाने नहीं दे रहे हैं। को नहीं बनता है इनके साथ। सो गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और काफ़ी गर्मी हो रही है बाहर और आपने देखा कि हमने कितना एंजॉय किया और बहुत सारे जगह मैं शूट नहीं कर पाई, कहीं कहीं लाइट आ जा रही थी, कहीं लाइट की कमी थी, कहीं ज़्यादा लाइट थी और ऐसा मतलब कि होता है कभी कभी बाहर जाने के बाद कि कहीं कहीं हम लोग शूट नहीं कर पाते, तो जितना हो पाया मैंने शूट किया। और आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। हमने तो एंजॉय किया, आपने कितना एंजॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड शब खैर।